मुरादाबाद में 73वें जनपदीय शैक्षिक युवा क्रीड़ा समारोह का समापन हो गया है, जिसमें सीडीओ सुमित यादव बतौर मुख्य अतिथि और राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्यामा कुमार विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। इस अवसर पर उत्कर्ष प्रदर्शन करने वाले विजयी खिलाड़ियों को मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। इस शैक्षिक युवा क्रीड़ा समारोह में बालक वर्ग के जूनियर में 100 मीटर पग बाधा में उदयवीर चक्का फेंक में राजकुमार ने पहला स्थान हासिल किया। सीनियर वर्ग में 6 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में रजत, 400 मीटर में प्रवेंद्र अनंत और शेखर ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं सब जूनियर के 80 मीटर पग बाधा में ऋतिक पवार और चक्का फेंक में अमित ने पहला स्थान पाया है। इसके साथ ही बालिका वर्ग सब जूनियर में 400 मीटर रिले में सुहानी दिशा, मानसी चौधरी और कशिश ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि सीनियर वर्ग में रबिया कसक, अंजू और खुशी ने पहला स्थान पाया है। वहीं 3000 मीटर लंबी दौड़ में सारिका, 400 मीटर रिले में यशिका, निशा, दिव्या, सानिया ने पहला स्थान हासिल किया है। इस दौरान खेल के समापन समारोह में उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी ने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और छात्र जीवन में खेलों के महत्व को शारीरिक और मानसिक स्तर के लिए उपयोगी बताया। इस अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस जनपदीय क्रीड़ा समारोह की अध्यक्षता जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने की। 3 दिवसीय ये जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिता हुई पार्कर इंटर कॉलेज मुरादाबाद में। ये प्रतियोगिता 31 तारीख से शुरू हुई थी और आज इसका समापन रहा। आज जितनी भी विजेता टीमें थीं, व्यक्तिगत स्पर्धा में जिन छात्र छात्राओं द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया गया, उन सभी प्रतिभागियों को, प्रतियोगियों को उनका मेडल दिया गया और उनको एक प्रमाण पत्र भी सभी प्रतिभागियों को दिया गया। हमारे सभी बच्चों ने बड़ा ही अनुशासित रह करके उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हमारे व्यायाम शिक्षकों ने बहुत ही परिश्रम से, लगन से इस प्रतियोगिता को संपन्न कराई। जिन क्रीड़ा अध्यापकों ने 3 दिन तक इसमें लग करके अथक प्रयास करके इस प्रतियोगिता को संपन्न कराई, उनको और पार्कर इंटर कॉलेज और मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज के लिए कल का एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। मेरे द्वारा ओवरऑल चैम्पियनशिप तो आकांक्षा विद्यापीठ बॉयज में जीती है और मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज ने ओवरऑल चैम्पियनशिप बालिका वर्ग में जीता हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र छात्राओं में शारीरिक क्षमता का विकास करना, मानसिक क्षमता का विकास करना, जीवन में अनुशासन की भावना को विकसित करना और विषम परिस्थितियों में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, आत्मविश्वास की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से छात्र छात्राओं में इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।